स्टूडेंट्स फ्यूचर कोचिंग क्लासेस इंग्लिश ग्रामर बाय अवधेश सर, आज हम आपको एक ऐसा सेंटेंस देंगे जिससे आप समझेंगे कि हम किस प्रकार से सेंटेंस को जोड़ें और उसका कॉम्प्लेक्स बनाएं और सिंपल कैसे बनाएं, ये चीज़ें हम आपको देंगे। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस मैं लिख रहा हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस फॉर क्लास ट्वेल्थ। ये केवल क्लास ट्वेल्थ के लिए ही नहीं, वो बच्चे छोटे बड़े जो भी आठ क्लास में, एट्थ में, नाइन्थ में, टेंथ में पढ़ते हैं, वो बच्चे भी इनको देखें और समझें कि ये है क्या चीज़, कैसे हम इसे जोड़ें जो हमारा कम्प्लेक्स बन जाए। और हिंदी में ट्रांसलेशन ज़रूर किया करें, इसलिए कि हमारी हिंदी मजबूत होगी, इंग्लिश भी मजबूत होगी। जैसे कि यहाँ पर जैसे मैंने लिखा एक सेंटेंस, ये द पे, ये लिखा मैंने द पेशेंट, पी ए टी आई ई एन टी, द पेशेंट डाइड। द डॉक्टर, डी ओ सी टी ओ आर, डॉक्टर हैड कम, थर्ड फॉर्म हो गया, थर्ड फॉर्म यहाँ पर। इसे अगर हम जोड़ें, ये वाक्य हमारा एक सिंपल तौर पर या सेपरेट कहा जाता है एस ई पी ए आर ए टी ई, और इसे बनाना है कम्प्लेक्स। तो हम कम्प्लेक्स किस तरीके से बनाएं कि हमारा बिल्कुल सही हो जाए। तो आपने अगर पास्ट परफेक्ट टेंस को अच्छी तरीके से पढ़ा है तो पास्ट परफेक्ट के हिसाब से हम जोड़ेंगे, क्योंकि उसमें जो है पूरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, एक आध बात जो होते हैं उन्हें हम सिंपल में बनाते हैं। तो यहाँ पर जैसे अगर हम इसे बनाते सीधा सा जोड़ते हैं, तो देखो जोड़ने का तरीका, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ये सिंथेसिस की बात है बेटा, किसकी बात है, सिंथेसिस, द पेशेंट डाइड किया मैंने। लेकिन यहाँ पर जब हम आफ्टर का यूज़ करेंगे, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो आपका यहाँ पर सेंटेंसेस कम्प्लेक्स बन के तैयार हो जाएगा, डॉक्टर हैड कम। अगर इसी बात को हम, ये हम कंजंक्शन जो हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम का दिया है इसे हटा दें, अगर हम यहाँ पर जोड़ दें दूसरे तरीके से अथवा करके, तो इसका बनेगा डॉक्टर है, द डॉक्टर हैड कम बिफोर द पे सेंट डाइड। ये आप याद रखें, जोड़ने किस में वेन होता है, वेन एवर होता है, टिल अनटिल होता है, एज सून एज होता है, आफ्टर और बिफोर होता है, सिंस और एज भी होता है। इस तरीके से एडवर्ब ऑफ टाइम से हम 10 वाक्यों का ट्रांसलेशन कर सकते हैं, अर्थ लेकिन टाइम का ही होना चाहिए। अब जैसे इसका हमने दो तरीके से जोड़ के आपको बताया, अगर हम दूसरा वाक्य कोई और दें जिससे कि जैसे कि हरी केम टू मी, हरी मेरे पास आया, माई फादर गेव हिम अ बुक। जैसे कि हरी मेरे पास आया, ये सेपरेट सेंटेंसेज है और इसे हमें बनाना है। मान लीजिए मैंने कहा सिंपल कर दीजिए, सिंपल करना आपको, तो सिंपल कैसे करेंगे, सिंपल बनाने का तरीका, जैसे हरी मेरे पास आया, मेरे पिताजी ने उसे एक पुस्तक दी, तो हरी और मेरे पिता, ये देखना है कि हमें क्या ऐसे रूल को पढ़ें जो हमारा सही बन जाए। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को हम यहाँ पर लागू किए दे रहे हैं, तो क्या है कि हमारा पार्टिसिपल का ही नियम लागू होता है, लेकिन हरी हैविंग कम केम, थर्ड फॉर्म होगा टू मी, मतलब ये हुआ कि हरी के मेरे पास आने के पश्चात माई फादर गेव हिम अ बुक। ये आप याद रखें, सिंपल सेंटेंसेस हो जाएगा, ये याद रखें।
इस तरीके से आपको सेंटेंस बाय सेंटेंस आगे आने वाले वीडियो में और भी मिलते रहेंगे फ्यूचर कोचिंग क्लासेस के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद।